देखिए, त्योहारों का ऊपर है, हम लोगों को मिठाई बनाने की, मार्केट से खरीदने की, खरीदते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने बिल्कुल घर के ही बेसिक सामानों से ये टेम्पटिंग मिठाई बनाकर रेडी करी है। ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी है और आपको बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए ना आपको गैस चलाना है, ना खोया है, ना की जरूरत है, और बिना किसी झंझट के आप केवल 10 मिनट में ये मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं किचन में। त्योहारों का सीजन है, आज हम लोग को कुछ ना मीठा चाहिए होता है। खास तौर से रक्षाबंधन पे हम लोगों को मीठे जरूर चाहिए होता है। तो आज हम आपके साथ बिना गैस जलाए, बिना खोवा, बिना मावा एक टेस्टी मिठाई बनाने का वीडियो लेके आए हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले हम इस ये 8-7 पीस हमने ब्रेड के लिए, इन ब्रेड के पीसों का साइड हम कट कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम ब्रेड के कॉर्नर को पहले कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड के कॉर्नर काट कर अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इस कॉर्नर को फेंकेंगे नहीं, हम इसका किसी और रेसिपी को बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमने 8 पीस थोड़ी सी बना रहे हैं, आप अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेस काट कर रेडी किए। देखिए, आप देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड के कॉर्नर काट के अलग कर लिए हैं। इसको जार में डालकर, मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को पीस लिया है। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स हमने पीस कर रेडी कर लिया था। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। मिल्क पाउडर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने बूरा चीनी ली है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 4-5 चम्मच दूध ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ऐड करके सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम ये येलो बर्फी बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको बिना कलर के भी बनाकर रेडी कर सकती हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम प्लेट में घी लगाकर इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ये छोटी वाली चम्मच काजू बादाम का पाउडर मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो, बिल्कुल बाजार जैसा इसमें टेस्ट है। हाँ फ्रेंड्स, ये हम ब्रेड की इंस्टेंट बर्फी बना रहे हैं, बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना खोया, ये फटाफट बनकर रेडी होने वाली मिठाई है। अब हमने प्लेट में घी लगा लिया है। ये देखिए, घी लगा के हम अपनी जो हमने मिठाई बनाई है इसको बराबर से अच्छे से सेट कर देंगे और इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मिठाई कैसी बनकर रेडी हुई है। इसको हाथों से हम बराबर करेंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर अब ये चांदी का बरक लगाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अपनी बर्फी को, जो हमने ब्रेड की इंस्टेंट मिठाई बनाई है, उसको हमने बरक से डेकोरेट कर दिया है। अभी हमारी मिठाई लूज है, अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करके आपको दिखाते हैं कि हमारी मिठाई कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई। फ्रेंड्स, पास से देखिए
आपकी लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, बिना गैस जलाए बिना किसी झंझट के कितनी टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। थैंक फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को शेयर करेंगे। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मिठाई कितनी टेम्पटिंग बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, हमने अपनी बर्फी को सेट करने के लिए फ्रिज में रखा था, अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। हम इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे, आप किसी भी पसंद अपनी मन पसंद शेप में कट कर सकते हैं। हम अभी आपको इसको दिखाते हैं। ये देखिए, हम आपको अपनी बर्फी का टेक्सचर दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपको फिर से याद दिला दें कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई आसान रेसिपी लाते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।